दोस्तों कैसे हालचाल है उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे और ये वीडियो बनाने के लिए ना बहुत लंबे समय से प्लान कर रही थी क्योंकि आजकल बाज़ार में इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं और इतना कन्फ्यूजिंग है और, और जब भी कुछ नया लॉन्च होता है आपको लगता है कि आपको हर कुछ चाहिए तभी आप अच्छा मेकअप कर पाएंगे या तभी आप अच्छा लगेंगे या तभी आपकी लुक कम्प्लीट होगी सो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी ऐसी टेन टू फिफ्टीन चीज़ें हैं जो आपको आपकी मेकअप किट में चाहिए या फिर ओवरऑल चाहिए कोई भी लुक क्रिएट करने के लिए जो कि मस्ट है जो आप ज़रूर से ट्राई करें अगर आप uh, किसी भी मेकअप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें खरीदें क्योंकि ये वाली वो चीज़ें हैं जो मैं बहुत लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ और मैं बार बार ख़रीदती हूँ और जब मैं इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ तो मुझे मेरा मेकअप डिफरेंट लगता है एंड मुझे मेरी लुक बेटर लगती है एंड ओवरऑल कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक ब्राउन गर्ल के पास होनी ही चाहिए फर्दर यू जल्दी से इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत ही प्यारी एंड ऑथेंटिक वीडियोज़ बनाती हूँ मैं एंड अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है मेरे लिए वो भी आप कमेंट बार में छोड़ सकते हैं एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सो so, जल्दी से इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं so, मेरा पहला प्रोडक्ट है ये वस का कलर कंसीलर अगर आप मुझे जानते हैं आपको पता है कि मेरी ना तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती है उसकी वजह से मेरे ना डार्क सर्कल्स काफ़ी हो गए हैं और हाइपर पिगमेंटेशन भी है मुझे तो ये ऐसा कंसीलर है जो कि बहुत हेल्प करता है ब्राउन स्किन पे ये वी जीरो टू नंबर है मुझे लग रहा है कि हर एक ब्राउन स्किन पे सूट करेगा अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं आप उसे अच्छी तरह कंसील कर सकते हैं अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं हाइपर पिगमेंटेशन ब्लैमिशेज हैं उसे भी आप कंसील कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार है अगर आप इस पर स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर से बताना मुझे बहुत अच्छा लगा यह कंसीलर जब से तो मैंने ट्राई किया और मैंने कुछ नहीं किया और क्योंकि अगर आप स्पेशल ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं तो वो आपके चेहरे को ऑरेंज कर देता है आपकी फाउंडेशन को कर देता है सो so, ये वन ऑफ द बेस्ट है जो बहुत ही सटल है और बहुत अच्छा कंसील करता है so, सो ये खुद से ही इतना अच्छा कंसील कर देता है कि अगर आप फाउंडेशन भी लगाएंगे और और कोई कंसीलर नहीं यूज करेंगे आपके हाइपर पिगमेंटेशन या कोई भी बहुत खतरनाक किस्म की छाइया भी उससे छुप जाएंगी सो so, एक फाउंडेशन तो आपके पास होना ही चाहिए ताकि आप मेकअप बेस को प्रो कर पाए सो so, अगर आप अफोर्डेबल खरीदना चाहते हैं तो मेबलिन का फिटमी फाउंडेशन बहुत अच्छा है इसका प्राइस भी अच्छा है कलर क्शन भी अच्छी है और इसकी फिनिश बहुत अच्छी है सो so, मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई ड्रग स्टोर का फाउंडेशन पहनना चाहती हूँ और मुझे चिंता नहीं होती कि मेरी स्किन ख़राब ना हो जाए तो वो मेवलिन का फिट फिटमी फाउंडेशन होता है अगर आप ज़्यादा कवरेज चाहते हैं सो so आप मेवलिन का ये सुपर स्टे फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं इसकी कवरेज बहुत अच्छी है एंड ये क्लेम करता है कि थर्टी आर तक कहीं नहीं जाएगा और फाउंडेशन को लेके एक बात बताना चाहती हूँ या कोई भी फेस का प्रोडक्ट कि अगर आप याद रखें आपने कब ख़रीदा था क्योंकि उस पर उसके पीछे ना एक बॉक्स बना होता है जिसका ढक्कन खुला है कि जब ये ढक्कन खुलेगा उसके बाद इतने मंथ्स के बाद ये खराब हो जाएगा मैं हमेशा हर एक फाउंडेशन के नीचे डेट लिख के रखती हूँ मैंने ऑनलाइन खरीदा हो तब मुझे पता चलता है कि मैंने कब खरीदा था और मैं एक्सपायर प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पर खराब होने का बहुत ज्यादा है सो so, आप भी प्लीज़ एक्सपायर प्रोडक्ट्स कभी मत यूज़ करें स्पेशली फाउंडेशन कंसीलर और पाउडर लिक्विड फॉर्म तो बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए तो याद रखें कि आपने कब खरीदा था और कब आपको फेंकना है सो so, अगर आप हाई एंड फाउंडेशन में स्पेंड करना चाहते हो मुझे नर्स का ये नेचुरल री एंड लॉन्ग वेयर फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है ये आप एक ड्रॉप लेंगे पूरी हाइपर पिगमेंटेशन कंसील हो जाएगी एंड ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया है ये मेरा स्पेशल फ़ाउंडेशन है मुझे बहुत, बहुत 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 अच्छा लगता है चार या पाँच साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है वैनाथू जो मुझे लगता है कि मैं इससे थोड़ा लाइटर शेड यूज़ कर सकती हूँ अपने ऊपर पर अच्छा है कि थोड़ा डार्क किस्म का हो या पूरा स्किन के साथ मैच हो तो आप हाईलाइट कर सकते हैं सो so, ये फाउंडेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा पैसे स्पेंड करना चाहते हैं पर एक फाउंडेशन आपके पास ज़रूर से होना चाहिए सो अगला है कंसीलर मेरे पास दो ऑप्शनस हैं एक हाई एंड सो so, अगला है कंसीलर कंसीलर आपके पास जरूर से होना चाहिए उससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं अपने स्कार्स को कंसील कर सकते हैं अपने चेहरे को हाईलाइट कर सकते हैं टाट का शेप्टे वन ऑफ द बेस्ट 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 कंसीलर है आउट देयर हाई एंड में से जो सबसे ज़्यादा अच्छा हाईलाइट करता है आपके अंडर आइज़ को एंड बाकी अगर फेस को हाईलाइट करना हो लाइक चिक्स को नोज़ को और चिन को बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है पर ये बहुत महंगा है लाइक फोटी एट या 45 प्लस है मुझे लग रहा और ये छः महीने में ख़राब भी हो जाता है पर अगर आप फिर भी स्पेंड करना चाहते हैं तो इसमें करें आपको बहुत अच्छा लगेगा इतना अच्छा ब्लेंड होता है इतना सीमलेसली बहुत प्यारा है पर अब मुझे इसका एक डूप मिल गया है जो कि है मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील प्लस डिफाइन कंसीलर जो शेड मैं यूज करती हूँ वो है सी सिक्स वो ऑलमोस्ट इसके जैसा शेड है आज मैंने वही पहन के रखा है मेरा चेहरा कितना अच्छा हाईलाइट हो गया ना वे uh, अगर आप ये मेकअप देखना चाहते हो तो ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी है ये ईद uh, मेकअप लुक की थी मैंने ये वो वाला है सो so... देख सकते हैं आप सो so, ये कंसीलर आपको ज़रूर से चाहिए इससे आप हज़ारों डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं अपने अंडर आई को कंसील करें या फिर अपने स्कार्स को हाइड कर सकते हैं सो so, एक कंसीलर आपके पास ज़रूर से होना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं आपके बजट पर डिपेंड करता है सो ब्लश ब्लश मैं बहुत लंबा समय तक मेरे चेहरे पर नहीं पहनती थी जब भी मुझे पहनना है मैं पीच शेड पहनती थी पर जब से मुझे ये ब्लश मिला है ना गाइज ओ गॉड इन्ना सोना लाइक ये आप मेरा चेहरा कैमरे के देख रहे हैं पर मुझे अपना चेहरा शीशे में देख के बहुत अच्छा लगता है इस ब्लश में अदरवाइज ऐसा लगता था कि यार बहुत ज्यादा कुछ हो गया क्योंकि ब्राउन स्किन पर बहुत कम ब्लशेज हैं जो अच्छे लगते हैं सो so, ये है मिलानी का ल्यूमिनोसो जीरो नंबर फाइव बहुत 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 प्रिटी किस्म का ब्लश है आई डोंट नो मैंने कई लोगों की इसकी तारीफ करते हुए सुना है और मुझे पता नहीं था कि यार ये इन ही खूबसूरत है इसमें अलग किस्म की एक शाइन है लाइक शिमर नहीं है शाइन है ये आपके इम को हाईलाइट नहीं करता है पर आपकी फ़ेस को एक बहुत ही प्यारा सा ब्लश देता है ऐसे लगता है कि आपका चेहरा आप कंप्लीट हो गया सो एक ब्लश ये ज़रूर आपकी किट में होना चाहिए एंड अगर आप इसको ख़रीद के ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मैं बहुत अच्छा लगा एवरी डे मैं यही वाला ब्लश पहनती हूँ सो so, अगला है पाउडर लूज़ पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए अगर पैसे स्पेंड करना चाहते हैं तो लॉरा मर्सिया का ट्रांसलूसेंट पाउडर बहुत अच्छा है आपका मेकअप सारा दिन वैसे का वैसा रहेगा जब हम मास्क पहन रहे थे तो मैं इस एरिया में लगाती थी, थी तो कुछ भी नहीं होता था बहुत अच्छा है अगर आप इसमें पैसे नहीं स्पेंड करना चाहते तो आप मेबली इनका फिटमी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं लूज़ लाइट टू मीडियम शेड बहुत अच्छा है या फिर मेरे पास ये रेवोल्यूशन का लग्जरी बनाना पाउडर है ये भी बहुत बहुत अच्छा है या मैं ट्रैवल टाइम में इसे ही अपने साथ लेके गई थी एंड इसीलिए मैंने ये लॉरा मर्सिका का भी छोटा सा लिया है क्योंकि फिर वो ट्रैवल करना आसान होता है बहुत ही ज्यादा Uh, क्या बोलते हैं इतना फाइन पाउडर है कि आपकी रिंकल्स में या आपके फ़ाइन लाइंस में भरेगा नहीं पर आपके मेकअप को बहुत अच्छा सेट कर देगा या फिर रेवोल्यूशन का ये बनाना पाउडर आप ट्राई कर सकते हैं प्राइस का, का काफ़ी डिफरेंस है पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और अगर आप प्रेस्ड पाउडर चाहते हैं जैसे आप मेरे चेहरे पर स्कार्स हैं तो मैं यूज़ करती हूँ ये पाउडर फाउंडेशन जो कि है सफोरा का भी ये uh, क्या बोलते हैं कैंडा ड्रग स्टोरी है क्योंकि ये सस्ता होता है काफ़ी एंड अठारह या ट्वेंटी डॉलर्स का आता है बाकी ड्रग स्टोर वाले पाउडर्स भी इतने के आएंगे जो शेड मैं यूज़ करती हूँ वो है ट्वेंटी सिक्स नेचुरल सैंड बहुत बहुत अच्छी कवरेज देता है मैंने आज भी मेरे चेहरे पे ये पहन के रखा है इससे ना जो मेरे स्कॉर्स है फाउंडेशन से जो कंसील हुआ होता है ये थोड़ा और कर देता है तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है ये ज़रूर से आप अपनी किट में ऐड कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है एंड थोड़ा सा आपको परफेक्शन चाहिए तो आप ये सीधा अपने चेहरे पर लगाएँ यू आर गुड आप कोई कोई और प्रोडक्ट यूज़ करने की जरूरत नहीं उसके बाद ब्लश लगा सकते हैं दैन स्किन आपकी गो सो so, ब्राउंज़र काफ़ी ज़्यादा मदद करता है आपकी फेस को शेप देने के लिए लाइक कॉर्न टॉर करने के लिए सो so, मैं पाउडर ब्राउन्जर यूज़ करती हूँ इसके लिए मैंने ये डार्क शेड लेके रखा है इस शेड का नाम क्या है आई डोंट नो पर नंबर है 300। ये मेबलिन का सिटी ब्राउन्जर है इस पर कोई शाइन नहीं है पर यह पाउडर इतना क्रीमी है कि आपके फेस को शेप दे देता है आप अपने चिक बोन्स को ऐसे कॉर्न कर सकते हैं फाइन अपनी डबल चेन को काट सकते हैं अपने यू नो ये हेयर लाइन को भी कवर कर सकते हैं सो एक ब्राउनज़र होना चाहिए अफोर्डेबल में मैं यही कहना चाहूँगी हाई एंड में मेरे पास कोई नहीं है और ये इतना अच्छा काम करता है कि आपको हाई एंड की जरूरत ही नहीं है सो दिस इज़ द वन सो हाइलाइटर के लिए हम मिलानी के हाइलाइटर्स भी यूज कर सकते हैं पर मुझे ये मे का मास्टर क्रोम मॉल्टन गोल्ड बहुत अच्छा लगता है अगर आप मुझे लंबे समय से देख रहे हैं ना तो ये आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा पता नहीं ये कितना किन्नवा पैना पर ट्रैवल टाइम में, में, में मेरे साथ यही लगी गई थी क्योंकि इसमें इतनी अच्छी शाइन है कि आपका फेस ग्लो करता है पर फेक नहीं लगता है मैं आपको लगा के दिखाती हूँ ब्रशेज़ में आप सिमार के ब्रशेस खरीद सकते हैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमारे पास मेकअप ब्रशेज़ की किट है जिसमें आप अपना पूरा मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं एंड बहुत अफोर्डेबल है सो so, वो आपको जरूर से चाहिए अब आप देखेंगे कि इसकी जो ये इतना अच्छा हाईलाइट करता है ऐसे लगेगा कि ग्लो आपके चेहरे के अंदर से आ रहा है सो मास्टर क्रोम मॉल्टन गोल्ड फ्रॉम मे यू नीडेड सेटिंग स्प्रे के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन हैं एक तो है मेबरिन की मास्टरफेक्ट बहुत अच्छी स्प्रे है इसको आप अपने फेस को फिक्स करने के लिए जब आप निमेकअप पहने काफ़ी समय हो गया है और इसको लगाएं तो फिक्स हो जाता है सेटल हो जाता है या फिर इसको अपने मेकअप की शुरुआत में पहन सकते हैं एज अ प्राइमर या फिर मेकअप को सेट करने के लिए जब आप लगता है ना कि मैं बहुत पाउडर यूज़ कर लिया नजीब सा किसा लग रहा है इसको करेंगे ना सारा कुछ अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएगा और आपको अच्छा फील होगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की कंप्लीट होती है कि जब वो मेकअप पहनते हैं ना उनको सब कुछ आर्टिफिशियल एंड बहुत ज़्यादा लगता है सो उसके लिए ये काम आता है बहुत आपके फेस को सेटल कर देता है अगर आप ज़्यादा पैसे स्पेंड करना चाहते हैं तो मैक का फिक्स प्लस ले सकते हैं ये भी वैसा ही काम करता है लास्टिंग फिक्स जैसा प्राइमर बन सकता है आपके मेकअप को रिफ्रेश करने के लिए दिन में यूज़ कर सकते हैं या फिर सेटिंग स्प्रे के लिए यूज़ कर सकते हैं सो ये आपको ज़रूर से चाहिए आपकी कलेक्शन में अभी आई शेडो आप पे है कि आपको कैसे आई शेडोज़ अच्छे लगते हैं बहुत सारे मार्केट आई शेडोज़ अवेलेबल है मैं आपको कहूँगी कि कोई मारफी की पैलेट खरीद ले जिसमें सारे नेचुरल शेड्स हों या फिर शिमरी हों होता कि आपको और कोई जरूरत ना हो क्योंकि ज़्यादातर पैलेट्स में सेम से शेड ही होते हैं आजकल वो आम अच्छे लगते हैं लोगों को क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ड्रोमेटिक रंग है वो हम यूज़ नहीं करते सो so, बहुत सारी ऑप्शन है वैसे तो पर अगर आप ये जेम पैलेट खरीदना चाहते हैं तो ये भी अच्छी है क्योंकि इसमें जो नेचुरल कलर है उनके पैन काफ़ी बड़े हैं क्योंकि वो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे और ये इतनी जल्दी एक्सपायर भी नहीं होते हैं पर अगर आप ड्रोमेटिक लुक्स करना चाहते हैं तो इसमें आपको ड्रोमेटिक कलर्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी पैलेट है या फिर मॉर्फी की कोई ऐसी एक पैलेट ले लें जो आपको अच्छी लगती है अपने हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा मोरफी की पैलेट अच्छी लग रही है ये अभी मैं ये इसलिए रेकमेंड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ टेन शेड्स हैं पर लिटरली आज की लुक इसमें मैंने क्रिएट की है इसमें मैंने तीन चार डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकती हूँ तीन चार तो भी थोड़ी ज़्यादा ही और मेरे ट्रैवल के टाइम पे सारी मेकअप लुक्स मैंने इसी से क्रिएट की थी और कोई पैलेट मैंने यूज़ नहीं की ऐसा कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है पर जेम्स चार्ल्स की पैलेट में आप सारा कवर हो जाएगा नेचुरल भी ड्रोमेटिक भी पार्टी वेयर भी एवरी डे भी सो वो ले सकते हैं उसमें ब्लैक सो मस्कारा आपको जरूर से चाहिए लॉरियल का लैश पैराडाइज हैंड्स डाउन सबसे प्यारा मस्कारा है जो कि आपकी लैशेज बहुत छोटी भी होंगी ना ये लगा तो दिखनी शुरू हो जाएंगी और ऐसे लगेंगी कि बहुत ज्यादा है सो so, ये जरूर से आप अपनी कलेक्शन में ऐड करें या फिर मेब्लिन का लैश सेंसेशनल बहुत अच्छा है वो भी कर सकते हैं पर मैंने देखा कि मैं जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया ना मैं बार बार यही वाला खरीद रही हूँ सो so, ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं एंड आईब्रोज के लिए लॉरियल का ये जेल ये भी मैंने पाँच छह डिब्बिया तो ले ली होंगी और ये एक ये कम नहीं है किसी भी ये बिल्कुल कम नहीं है किसी भी हाई एंड प्रोडक्ट से क्योंकि बहुत अच्छा काम करता है आईब्रो आप इसके साथ एक बार बना लो तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक आप उसको रगड़ के रिमूव नहीं करेंगे रात को और जो शेड मैं यूज़ करती हूँ वो है डीप एट ब्रूनेट बहुत प्यारा है ये इधर आ उत्तर गया मैंने इसकी स्टोरी बताई थी जब मैं ट्रैवल कर रही थी ना मेरे बैग से कुछ लीक हो गया आई डोंट नो क्या कोई परफ्यूम हो गया होगा तो इस पर ऐसे बैठ था मैंने जब ऐसे किया वो ऊपर ऊपरला लेबल भी उतर गया पता नहीं क्या था सो so, अपनी मेकअप लुक को ज़ीरो से हंड्रेड लेके जाने के लिए आपको लैशेज़ ज़रूर से चाहिए आप लगाएं या नहीं लगाएं या मौके पे डिपेंड करता है कि कैसा मौका चल रहा है सो so, मैं रेकमेंड करूँगी कि सिमर की लैशेज़ लें उसके पास बहुत प्यारी लैशेज़ हैं uh, काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल है कुछ ड्रोमेटिक है कुछ नेचुरल है जो मैंने आज लगा के रखा है ये है गोवा अब बाई दवाई ये मेरी लैशेज़ हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सो इसको ख़रीद के आप अपनी कलेक्शन में ज़रूर से शामिल करें ताकि जब आपको कुछ खास इवेंट पे जाना है या अपने मेकअप को थोड़ा ड्रामेटिक बनाना है तो लैशेस एक अलग लेवल का काम करती हैं तो ये आपको जरूर से चाहिए सो so, लिप्स के लिए मेरे हिसाब से हर एक ब्राउन गर्ल को एक रेड एक नूड और एक थोड़ा पिंकिश शेड चाहिए सो so, नूड के लिए अगर आप हाई एंड में खरीदना चाहते हैं तो खुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक शेड का नाम है बॉम्शल इतना प्यारा शेड है ये मैंने पहन के रखा है ये हर एक लुक के साथ अच्छा लगता है स्मोकी आई है नेचुरल है आप ना अपने लिप लाइनर को चेंज कर कर करके इसको कितनी सारी डिफरेंट लुक्स दे सकते हैं ये ये आपको जरूर से चाहिए पर अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं स्पेंड करना चाहते सो मे बिल इनकी ये सुपर स्टे इंक क्रियॉन है बहुत बहुत प्यारा शेड है ये और इसका नाम क्या है ओके इसका सो इसका नाम है लीड द वे फिफ्टीन और ये शार्लेट तलबली के पिलो टॉक जैसा है बिल्कुल ऐसा ही लगेगा वैसे जैसे मैंने पहन के रखा है ना वैसा ही है ये आप जरूर से ट्राई करना है आपकी नेचुरल एवरीडे के लिए सो so, पिंक के लिए यह सफोरा की लिक्विड लिपस्टिक है उनकी होम कलेक्शन में से और इसका नंबर है थर्टीन बहुत प्यारा सटल नूड किस्म का पिंक है ये आपको जरूर से चाहिए एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊंगी कौन से लिप शेड हर एक ब्राउन गर्ल को चाहिए एटलीस्ट दस तो बताना मैं उस उसपे वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास काफी सारे शेड है मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी हाई एंड भी और ड्रग स्टोर भी और रेड के लिए मुझे लगता है कि Mac की रूबी वू से अच्छा कोई कलर नहीं है क्योंकि वो हर एक स्किन टोन पे अच्छा लगता है एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट है और मैं हमेशा मेरी कलेक्शन में एक रूबी वू ज़रूर से होती है सो so, यस yes, दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो फिनिश होती है पर एक और चीज़ बता दूँ आपकी कलेक्शन पूरी नहीं होगी जब तक आप ये इन्फिनिटी नेकलेस अपने गले में नहीं डाल लेते इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इन्फिटी का नेकलेस अपने गले में डालें और जिंदगी में प्यार एंड सक्सेस इन्फिनिटी लेके आएँ और इसमें ये ना प्यारा सा एंजल का पर्व है एक और खूबसूरत चीज़ बता दू मैं ओके okay, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें थम्स अप देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बार में बताना कि आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं मैं मिलूंगी आपको जल्दी ही नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों यू गाइज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वी गई कैन डू एनी फ्रिकिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन इट ईजी पीजी लेवी आई लव यू गई सो वेरी मच